गुड मॉर्निंग सूरज, माई सेल्फ विकास कुमार। टुडे आई वेलकम नाइन्थ क्लास एंड यू नो इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी वर गोइंग थ्रू फोर चैप्टर ऑफ मोमेंट्स। सो लेट्स मेक इट कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, आई हैव टू मेक द वीडियो ऑफ टुडे बिकॉज द लेंथ गोज वेरी हाई। सो लेट्स स्टार्ट इट। Here, students, it says the goldsmith named the merchant. Goldsmith ने merchant का उस व्यापारी का नाम लिया, and he was none other than the original owner of the house. और वो जो goldsmith था वो घर के मालिक के अलावा और कोई नहीं था। Whose wall had fallen, जिसकी दीवार गिरी थी। Now justice had come full circle, अब जो न्याय था वो पूरे सर्कल में आ चुका था। Thought the king, राजा ने सोचा। Back to the merchant, वापस merchant की तरफ गया। When he was rudely summoned back to the court, जब उसे कहता है कि दोबारा से, कहता है कि rudely यानी कठोरतापूर्वक कोर्ट में वापस दोबारा से बुलाया गया उसे। He arrived crying, वो चिल्लाता हुआ रोता हुआ आया। It was not me, ये मैं नहीं था, but my father, परंतु मेरे पिता थे। Who ordered the jewelry, जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। He has dead, वो मर चुके हैं। I am innocent, मैं बेकसूर हूँ। But the king, परंतु जो राजा था, consulted his minister, उसने अपने मंत्री से कंसल्ट किया, बातचीत की, and rudely, कठोरता से, decisively, यानी डिसीजन दिया। क्या दिया? इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सच है कि तुम्हारे पिता वास्तविक जो है ना मर्डरर हैं, वास्तविक मर्डर करने वाले हैं। ही हैज डेड, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, परंतु उसकी जगह किसी ना किसी को तो पनिशमेंट करना ही पड़ेगा। कहता है कि यू आर इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम योर From that criminal father of yours, तुम्हारे उस criminal पिता से तुम्हें हर चीज़ विरासत में मिली है। Inherited यानी विरासत में मिलना। His riches, उसका धन, as well as his sins, और उसके साथ ही उसके पाप भी। I knew at once, मैं तुरंत समझ गया था। Even when I first set eyes on you, जब मेरी पहली बार तुम पे आंखें पड़ी थी, मैं तभी समझ गया था। That you were एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस हॉरिबल क्राइम, ये जो खतरनाक क्राइम हुआ है, इसकी जड़ तुम ही हो, मैं ये बात समझ गया था। कहता है कि बट द किंग, यस यू मस्ट डाई, तुम्हें अवश्य ही मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड, और उसने ऑर्डर दिया कि एक नया फंदा बनवाया जाए। स्टेक होता है फांसी का फंदा। फॉर द एग्जीक्यूशन, फांसी के लिए एक नया फंदा बनाया जाए। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, जब नौकर उस फंदे को शार्प कर रहे थे, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब उन्होंने फाइनल आखिरी में, कहता है कि जब बिल्कुल लास्ट में फाइनली जब जो शार्प कर रहे थे सर्वेंट उसे, और गॉट इट रेडी, जब वो तैयार हो गया फॉर द फाइनल इम्पेलिंग, अपने बिल्कुल आखिरी, कहता है कि शूली पर इम्पेल यानी शूली पर चढ़ने के लिए, ऑफ द क्रिमिनल, क्रिमिनल के शूली पर चढ़ने के लिए वो लास्ट में जब तैयार हो गया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट, मिनिस्टर ने ये पाया कि द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन, जो धनी मर्चेंट है, धनी व्यापारी है, वो बहुत ही पतला है। To be properly executed on the stake, उस स्टेक के ऊपर, उस फंदे के ऊपर सही से फांसी पर लटकाने के लिए उसे एक ठीक आदमी चाहिए, परंतु ये मर्चेंट जो है वो तो बहुत ही पतला है। He appealed to the king's common sense. He appealed, उसने अपील की to the king's, king को, common sense. The king too worried about it, कहता है कि इस common sense के बारे में king को अपील की, और कहता है कि राजा भी इसके बारे में बहुत चिंतित था। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। ही सैड, उसने कहा,
वेन सडनली इट स्टक हिम, जब सडनली अचानक ये उसके दिमाग में आया दैट की ऑल दे नीडेड टू डू, जो उन्हें करना है वो है वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ, कि उन्हें एक पर्याप्त मोटे आदमी को ढूंढना है टू फिट द स्टेक, जो उस फांसी के फंदे के ऊपर बिल्कुल फिट आए। द सर्वेंट्स, जो नौकर थे, वर इमीडिएटली सेंट, उन्हें तुरंत भेजा गया ऑल ओवर द टाउन, पूरे कस्बे में, लुकिंग फॉर ए मैन, एक आदमी को ढूंढने के लिए, हु वुड फिट द स्टेक, जो उस फंदे के ऊपर बिल्कुल फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आंखें उस शिष्य के ऊपर पड़ी, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को मोटा बना लिया था, फॉर मंथ्स, कई महीनों में, महीनों से, ऑन बनानास, बनाना खा करके, एंड राइस, राइस खा करके, एंड वीट, अनाज, गेहूं खा करके, एंड घी, घी खा करके अपने आप को मोटा बना लिया था। वट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है, आई एम इनोसेंट, मैं बेकसूर हूँ, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड, उसने चिल्लाया, रोते हुए चिल्लाया कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, ये वो रोते हुए वो जो डिसिपल था वो चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू, शायद वो सच हो सकता है, बट इट इज द रॉयल डिक्री दैट, परंतु ये शाही आदेश है कि वी शुड फाइंड अ मैन, हमें एक आदमी को ढूंढना है फैट इनफ, जो पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेक, जो फांसी के फंदे के ऊपर बिल्कुल फिट आ जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड क्राइड हिम टू द प्लेस ऑफ, सॉरी, कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और फांसी की जगह उसे ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, ये एक फूल्स यानी जो फूल हैं, मूर्ख हैं, उनका एक शहर है। यू डू नॉट नो वट दे विल डू नेक्स्ट, आप नहीं जानते कि वो आगे आपके लिए, आपके साथ क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु को प्रार्थना की, इन हिज हार्ट, अपने हृदय से, आस्किंग हिम टू, उसे आस्क करते हुए, उसे पूछते हुए, टू ईयर हिज क्राई, टू हियर हिज क्राई, कि वो उसकी जो पुकार है उसे सुने, उसकी पुकार को सुनने के लिए अपने गुरु से प्रार्थना की। वेर एवर ही वॉज, वो जहां भी हो उसकी क्राई को वो सुने, ये प्रार्थना की। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, विजन होता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि से गुरु ने सब कुछ देखा। ही हैड मैजिक पावर्स, उसके पास जादुई शक्तियां थी। ही कुड सी फार, वो दूर की चीजें देख सकता था। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो यहां तक कि एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, जिस तरह वो प्रेजेंट और पास्ट देख सकता था उसी तरह वो फ्यूचर भी देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस, वह तुरंत पहुंच गया, टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए, हु हैड गोट हिमसेल्फ इन टू सच ए स्क्रैप, जिसने अपने आप को एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया था, थ्रो लव ऑफ फूड, भोजन की चाह में, भोजन की इच्छा में अपने आप को एक मुसीबत में डाल लिया था। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचा, उसका गुरु पहुंचा, ही स्कॉल्टेड द डिसिपल, उसने अपने शिष्य को डांट लगाई, एंड टोल्ड हिम समथिंग, और उसे कुछ कहा, इन ए विस्पर यानी कान में बड़बड़ाते हुए धीरे से कुछ कहा। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, जब तब वो राजा के पास गया और उसे एड्रेस किया, उसे अपना परिचय दिया, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हे सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, शिष्य बड़ा है या गुरु बड़ा है। ऑफकोर्स द गुरु, निसंदेह गुरु बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो, कहते कि देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तब मुझे पहले फांसी पे चढ़ा दो, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी पर चढ़ाना। When the disciple heard this, जब शिष्य ने इस बात को सुना, he understood, वो समझ गया, and began to clamor, और
रोने चिल्लाने लगा, मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, आप मुझे यहाँ पहले लेकर के आए थे, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ, नॉट हिम, उन्हें नहीं। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इन टू ए फाइट, अब गुरु और डिसिपल के बीच एक लड़ाई होने लग गई। अबाउट के बारे में, किस बारे में, हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड, राजा पजल हो गया। By this behavior, इस व्यवहार से, he asked the guru, उसने गुरु से पूछा, why do you want to die, तुम क्यों मरना चाहते हो। We choose him, हमने उसे चुना है, because, क्योंकि, we needed a fat man, कि हमें एक मोटा आदमी चाहिए, for the stake, इस फांसी के फंदे के लिए हमें एक मोटा आदमी चाहिए। You should not ask me such question, आपको मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू दैट फर्स्ट, मुझे पहले मृत्यु पर चढ़ा दो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया, वाई, क्यों, देर इज सम मिस्ट्री हेयर, क्या यहाँ कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक वाइज मैन के रूप में, एक बुद्धिमान इंसान के रूप में आपको अवश्य ही मुझे ये बात बतानी चाहिए। विल यू प्रोमिस, क्या आप प्रोमिस करते हैं, टू पुट मी टू द डेथ, कि आप मुझे मृत्यु पर चढ़ाएंगे। इफ़ आई टेल यू, यदि मैं आपको बता देता हूँ, आस्क द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड्स, राजा ने उसे अपने पवित्र शब्द दिए, अपनी जुबान दी। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसे एक तरफ ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, नौकरों के कानों से दूर। एंड विस्पर टू हिम, और धीमी आवाज में उससे कहा, Do you know, क्या तुम जानते हो, why we want to die right now, हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। The two of us, हम दोनों के दोनों, we have been all over the world, हम पूरे संसार में घूम चुके हैं, but we have never found a city like this, परंतु हमें इस जैसा शहर कहीं नहीं मिला, और a king like you, और आप जैसा महान राजा हमें कहीं नहीं मिला। That stake is the stake of the god of justice, वो जो फांसी का फंदा है वो न्याय भगवान, न्याय के भगवान का फंदा है। इट इज़ न्यू, ये नया फंदा है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं लटकाया गया। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इसके ऊपर पहले मरेगा, जो भी पहले सूली पर चढ़ेगा, विल बी रीबॉर्न, वो दोबारा पैदा होगा, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के राजा के रूप में। बोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री के, इस देश के राजा के रूप में दोबारा से पैदा होगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट, और जो भी दूसरे नंबर पे जाएगा, उसके बाद जाएगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस कंट्री का, इस देश का मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक, हम ऊब चुके हैं, ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हमारी सन्यासी जीवन से हम थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, टू इन्जॉय आर सेल्फ, कि हम अपने आप को इन्जॉय करें, एज किंग एंड द मिनिस्टर फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए अपने आप को किंग और मिनिस्टर के रूप में, राजा और मंत्री के रूप में अपने आप को इन्जॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने शब्दों को रखो, अपना प्रॉमिस करो, पूरा करो, माई लॉर्ड, मेरे मालिक, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु पर चढ़ा दो। मी फर्स्ट, रिमेंबर, याद रखना, मुझे पहले। द किंग, जो राजा है, वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट्स, अब गहरी सोच में पड़ गया राजा। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो जीवन के अगले राउंड में अपने राज्य को किसी और को नहीं देना चाहता था, किसी और के हाथों नहीं खोना चाहता था। He needed time, उसे टाइम चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day, इसलिए उसने अगले दिन के लिए फांसी को पोस्टपोन कर दिया, अगले दिन के लिए टाल दिया। And talked in secret with his minister, और अपने मंत्री के साथ सीक्रेट में इस बारे में बात की। It is not right for us, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, to give over the kingdom, अपने राज्य को छोड़ देना, टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में,
कहता है कि अपने राज्य को दूसरों को छोड़ देना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्व्स, आओ अपने आप को उस फंदे के ऊपर फांसी पर लटका लें, एंड विल बी रीबॉर्न, और दोबारा पैदा हों एज किंग एंड द मिनिस्टर अगेन, दोबारा राजा और मंत्री के रूप में दोबारा अगले जीवन में पैदा हों। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र आदमी जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। ही सैड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मिनिस्टर था वो सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने फांसी देने वालों को कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात हम क्रिमिनल्स को, अपराधियों को भेजेंगे। वैन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला आदमी आपके पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उन्हें पहले फांसी पे चढ़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और तब ऐसा ही दूसरे आदमी के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, यही मेरे ऑर्डर हैं। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, कोई मिस्टेक मत करना, कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर सीक्रेटली वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, गुप्त रूप से, चुपके से जेल में गए। रिलीज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, शिष्य और गुरु को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज द टू, और अपने आप का वेश बदल दिया उन दोनों जैसा। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसा कि पहले ही अरेंज किया जा चुका था, विद लॉयल सर्वेंट, वफादार नौकरों के साथ, वर टेकन टू द स्टेक, उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। एंड, और कहता है कि प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और कहता है कि उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। कहता है कि व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन, जब उन बॉडीज को नीचे उतारा गया, टू बी थ्रोन टू क्रोज, उन्हें कौओं के आगे फेंकने के लिए, एंड वेल्चर्स, और गिद्धों के सामने फेंकने के लिए, जब बॉडीज को नीचे उतारा गया, द पीपल पैनिक्ड, लोग जो थे वो पैनिक हो गए, वो घबरा गए। पैनिक यानी घबरा जाना। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्हें अपने सामने राजा और मंत्री की डेड बॉडी पाई। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा का पूरा सिटी, जो शहर था, वो उलझन में पड़ गया, कन्फ्यूजन में यानी व्याकुलता में पड़ गया। ऑल नाइट, पूरी रात, दे मोर्न, वे बड़बड़ाते रहे, एंड डिस्कस्ड, और एक दूसरे से डिस्कस करते रहे, द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के भविष्य के बारे में। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों को अचानक उस गुरु और शिष्य के बारे में विचार आया। एंड कॉट अप, और उन्हें पकड़ लिया, विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, जब वो चुपके से टाउन को छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड ए मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री चाहिए। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की, टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उनके राजा और मंत्री बनने के लिए। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स, इसमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं लगे, ज़्यादा बहस नहीं लगी, टू परसुएड द डिसिपल, शिष्य को मनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा, बट इट टूक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, परंतु गुरु को मनाने में लंबा समय लग गया। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम, आखिर में वो उस साम्राज्य का शासन करने के लिए तैयार हो गए। ऑफ द फुलिश किंग, उस मूर्ख राजा के, एंड द सिली मिनिस्टर, और उस सिली जो मूर्ख जो और सिली दोनों जो है ना मूर्ख होते हैं, सिली और जो फुलिश होते हैं, राजा और मंत्री के साम्राज्य का शासन करने के लिए तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, और इन कंडीशन के ऊपर, दैट कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो पुराने सारे नियम बदल सकते हैं। फ्रॉम देन ऑन, और तब से ही, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात दोबारा से रात बन गई, एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दोबारा से दिन बन गया। एंड, और कहता है कि यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डूडू, और एक पैसे में अब आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, अब ये जो साम्राज्य था ये किसी दूसरे प्लेस, दूसरे जो साम्राज्य थे उन्हीं जैसा साम्राज्य अब ये बन गया था।
सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच एंड इनफ फॉर टुडे.